कश्मीर के आर्मी अफसर उमर फयाज की शहादत के बाद सेना ने अब छुट्टियों से जुड़ी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करवाने का ऐलान किया है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सभी अफसरों को कहा गया है कि वो छुट्टी पर जाने से पहले लोकल यूनिट्स को जरूर सूचित करें। पहले से मौजूद गाइडलाइंस सेना के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले सैन्य कर्मियों के लिए छुट्टियों की गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं। इनके मुताबिक ऐसे हर सैनिक को छुट्टी में जाने से पहले अपने गृह क्षेत्र में तैनात सेना की यूनिट को जानकारी देनी होती है। ऐसा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में शहीद सेना के अफसर उमर फयाज के कातिलों को पकड़ने की मुहिम तेज हो गई है। सेना ने फयाज की शहादत के गुनहगारों के पोस्टर जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 स्थानीय आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इनमें से इशवाक अहमद ठाकुर गयास उल इस्लाम का ताल्लुक दक्षिण कश्मीर के पडरपुरा इलाके से है, जबकि अब्बास अहमद भट्ट नाम का आतंकी मंत्रीबाद इलाके का रहने वाला है। तीनों का ताल्लुक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। पुलिस ने उन्हें पकड़वाने में मदद करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि फयाज को मारने की साजिश में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फयाज की शहादत के बाद शोपिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सेना का ताजा आदेश कश्मीर घाटी से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत के बाद आया है। 22 साल के फयाज कश्मीर के शोपिया इलाके के सुरसोना गांव के रहने वाले थे। पिछले दिनों वो बाटपुरा में अपने मामा की लड़की की शादी में शरीक होने गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद ये फयाज की पहली छुट्टी थी, लेकिन बीते मंगलवार की रात को शादी से लौटते वक्त आतंकियों ने उन्हें अगवा किया। फयाज को गोलियों से छलनी करने के बाद उनके शव को चौक पर फेंक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।